भारत को घेरने चला था ड्रैगन, लेकिन मोदी ने मचा दिया बवंडर। ऋषि सुनक की भयंकर हुंकार से पूरी चीन में छा गया सन्नाटा। एक ही झटके में खुशामद में लगा चीन हो गया है पूरा बेनकाब। दोस्तों, कहा जाता है कि युद्ध जीतने के लिए केवल युद्ध कौशल पर्याप्त नहीं होता, विजय के लिए नीति का ज्ञान भी आवश्यक होता है। आप ये जानते हैं कि चीन सीमा पर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने 50,000 सैनिक सीमा पर तैनात किए हैं, जिसके जवाब में भारत ने भी बेहद खतरनाक हथियारों के साथ अपनी सेना को सीमा पर तैनात किया हुआ है। चीन ने अपनी हरकतों और गुरूर में दुनिया में इतने दुश्मन तैयार कर लिए हैं कि अब इन देशों ने चीन को बर्बाद करने की कसम खाली है। चीन के खिलाफ एक नहीं, कई गठबंधन तैयार हो गए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य चीन की अकल ठिकाने लगाना है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के खिलाफ ऐसी चाणक्य नीति अपनाई है कि चीन को मांगे पानी नहीं मिल रहा है। चीन भौचक्का हो गया है, उसे पता ही नहीं चला, और दुनिया भर में उसके खिलाफ तगड़ा प्लान तैयार हो गया है। दुनिया भर में भारत की बढ़ती धमक को शायद चीन देख नहीं पाया, क्योंकि उसके गुरूर ने उसकी आंखें बंद कर रखी हैं, जिसका इतना भयंकर खामियाजा चीन को झेलना पड़ेगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अभी तक जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चीन को सबक सिखाने के लिए एक्शन ले रहे थे, वहीं ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश भी चीन से बेहद नाराज हैं, जो भारत से बवंडर मचाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस के लिए डील कर रहे हैं। और अब ब्रिटेन से भी ऐसी खबर आई है जो जिनपिंग के होश उड़ा देगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ कि चीन की तबीयत बिगड़ गई है, जिनपिंग के चेहरे पर क्यों हवाइयां उड़ने लगी हैं? तो दोस्तों, जब से चीन को यह पता चला है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, तब से चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो किसी तरह से ऋषि सुनक को खुश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे इस बात पर पूरा यकीन है कि भारतीय मूल के गौरवशाली हिंदू ऋषि अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, यूरोप में उसकी पकड़ बढ़ जाएगी, वहीं चीन का हुक्का पानी बंद हो सकता है। और इसीलिए वो ऋषि को रिझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन की इन साजिशों के बीच ऋषि ने ऐसा बयान दिया कि जिनपिंग चारों खाने चित्त हो गए और हर भारतीय भारत के बेटे को कर रहा है दिल से सलाम। आखिर ऋषि ने ऐसा कौन सा बयान दिया है जिसके लिए समूचा भारत ऋषि को धन्यवाद कर रहा है? वहीं चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ऋषि ने ब्रिटेन के लोगों से क्या वादा कर दिया है जिसकी जिनपिंग को उम्मीद नहीं थी? ऋषि ने ऐसा क्या कह दिया है कि चीन दुनिया भर में बेनकाब हो गया है? तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब हम वीडियो में आगे देने वाले हैं, जिसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। आप भारत के बेटे ऋषि सुनक पर गर्व कर उठेंगे। चीन को बर्बाद करने की कसम खाली है ऋषि सुनक ने। दोस्तों, चीन ने ऋषि सुनक की खुशामद करके उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने उससे पहले कहा था कि सुनक इस मुकाबले में अकेले उम्मीदवार हैं। तो ब्रिटेन चीन संबंधों को विकसित करने पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं। चीन ने सोचा था कि ऋषि उसके झांसे में आ जाएंगे, लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने रविवार को वादा किया कि अगर वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन के प्रति सख्त रवैया अपनाएंगे। उन्होंने चीन को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों को $60,000 से ज्यादा की विदेशी फंडिंग का खुलासा करने और रिसर्च पार्टनरशिप की समीक्षा करने के लिए मजबूर करके CCP यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को देश की यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने का वादा किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की आंतरिक खुफिया एजेंसी MI5 का इस्तेमाल चीनी जासूसी को रोकने के लिए किया जाएगा और वो साइबर स्पेस में चीनी खतरों से निपटने के लिए नेटो जैसा एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने का भी प्रयास करेंगे। सुनक के प्रस्तावों में ब्रिटेन में सभी 30 कन्फ्यूशियस संस्थानों को बंद करना, संस्कृति और भाषा कार्यक्रमों के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रसार को रोकना शामिल है। सुनक ने दावा किया कि चीन हमारी तकनीक चोरी कर रहा है और हमारे विश्वविद्यालयों में घुसपैठ कर रहा है। ताइवान जैसे अपने पड़ोसियों को धमकाने का भी प्रयास कर रहा है। उन्होंने विकासशील देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए चीन के ग्लोबल बेल्ट एंड रोड स्कीम की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वो हांगकांग और शिनजियांग में अपने ही लोगों को प्रताड़ित करते हैं और उन्हें हिरासत में रखते हैं और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सुनक बोले, अब बहुत हो गया। लंबे समय तक ब्रिटेन और पश्चिम नेता चीन की नापाक गतिविधियों और इरादों के लिए रेड कारपेट बिछाते रहे और आंखें मूंदे रहे। एक प्रधानमंत्री के तौर पर मैं इसे पहले दिन ही बदल दूंगा। भारत के दुश्मन के खिलाफ भारत के बेटे की इस हुंकार से चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। एक झटके में ऋषि सुनक ने चीन की सारी गलतफहमी दूर कर दी है, चीन का नशा उतार दिया है, जिनपिंग की बेचैनी बढ़ गई है। इसकी बड़ी वजह है कि ब्रिटेन एक नेटो देश है और अगर उसका राजनीतिक नेतृत्व चीन के खिलाफ हो जाएगा और भारत को समर्थन करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। सारा यूरोप चीन से खार खाए बैठा है। ब्रिटेन में चीन के लिए जबरदस्त विरोध है।
और दोस्तों इसी वजह से ब्रिटेन ने चीन की कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो चीन को रणनीतिक, व्यापारिक और युद्ध के मैदान तक मजबूती से घेर लिया गया है, जिसका बेहद भयंकर परिणाम उसे झेलने से कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद।